वेलकम टू प्रो टिप्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थे इस बारी जो लास्ट हमने बातचीत की थी मैनेजमेंट से, उन्होंने बात साफ किया था कि क्रैमेज हो चुका 7.5%। अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से अब तक 22% हाइक कर चुकी है एक साल में प्राइसेस को, लेकिन उसके बावजूद भी एनएस फेडरेटी ये मान रही है कि शायद अभी भी 4-5% इनकी इनपुट कॉस्ट का इंपैक्ट इन पे और आएगा। तो इतना मासिव जंप, उसमें कितना इन्वेंटरी गेन मिलेगा, कितना इस क्वार्टर में आएगा, कितना अगले क्वार्टर में आएगा, ये भी पता नहीं है। लेकिन अगर इस तरह की सिचुएशन सिनेरियो बनी और वीक उन्होंने आगे कमेंट्री भी दे दी तो बाजार शायद आड़े हाथों ले सकता है। लेकिन हाँ, इनके केस में बढ़िया केवियट रहेगा कि डिविडेंड पे खेल सकते हैं, वो बड़ा नंबर आ गया तो शायद बाजार इन्हें बचा भी लेगा। तो लेट्स सी, क्या वो पॉजिटिव आंकड़ा आता है या फिर थोड़ा सा मायूस करता है ब्रिटानिया का ओवरऑल क्वार्टरली परफॉर्मेंस, क्योंकि प्रेशर्स कई सारे थे। अनलेस कंपनी कहे कि हम दो बिस्किट कम कर रहे हैं अपने गुड डे के पैकेट में, तो फिर गुड डे निवेशकों के लिए तो होगा नहीं। शरद, इस पर कोई आपकी एनालिसिस है? ब्रिटानिया जैसी एफएमसीजी कंपनीज, स्पेशली ये बिस्किट मैन्युफैक्चरर्स, या फिर इसके आगे जब हम नेस्ले के नंबर्स पर भी कंपेयर करेंगे तो ये कंपनी कहाँ पर खड़ी होती है? रॉ मटेरियल इनपुट प्राइस प्रेशर तो है, और जैसा कि तेल वगैरह के प्राइस का प्रेशर है तो वो बाकी कंजम्पशन पैटर्न पे भी, खास करके रूरल इंडिया में बाकी कंजम्पशन पैटर्न में भी जो हाई प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं उस पे कंजम्पशन पे असर आ सकता है। वैल्यूएशन वाइज भी स्टॉक बहुत अट्रैक्टिवली प्लेस तो है नहीं, क्योंकि अगर आप फॉरवर्ड मल्टीपल्स पे देखें तो अभी भी लगभग 45-50 के फॉरवर्ड मल्टीपल पे चल रहा है वन ईयर फॉरवर्ड पे। हमें लगता है जब तक ये स्टॉक करीब 40 के आसपास या उसके नीचे के एक ईयर फॉरवर्ड पे नहीं आता तब तक फ्रेश वैल्यू बाइंग इमर्ज होने की प्रोबेबिलिटी कम है। निफ्टी इस बीच स्क्रीन पर लेकर आएंगे क्योंकि ये फिर से फिसल रहा है। 17150 को अभी अभी टेस्ट किया, उन्हीं लेवल्स के आसपास अचानक यहाँ पर एक गहरा कट आता हुआ। निफ्टी में 85 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। ज्यादा मार तो दरअसल निफ्टी बैंक की इस समय लगती हुई, 36700 का हाई था निफ्टी बैंक में, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, और इस समय 600 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। आज डे हाई से करीब करीब 550 पॉइंट का नुकसान देखने को मिल रहा है, 36174 के लेवल्स हो चुके हैं। तो जो कॉन्फिडेंस के साथ इस दिन की शुरुआत हुई थी कि मे सीरीज में हम एकदम बढ़िया तेजी देखेंगे, कल का जो एक ऑफकोर्स इम्पेटस मिला था या फिर बेस मिला था उस पर बाजार ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया है, लड़खड़ाया है, फिसला है, वहां से नीचे आया है। वेरी क्विकली, एक तो आशीष, निफ्टी बैंक की एनालिसिस हमारे सामने पेश करिए, अब स्थिति क्या लग रही है, 36100 तक गिरना क्या इंडिकेट करता है? जी हर्षदा जी, जिस हिसाब से निफ्टी बैंक में क्रैकडाउन आया ये थोड़ा सा कंसर्निंग है, क्योंकि 200 डेमा के ऊपर आज क्लोज अगर देता तो बेटर रहता था, बट जिस हिसाब से अभी करंट लेवल पे फॉल आउट है, जिनके पास भी एक लॉन्ग है ज़रूर एग्जिट करने की सलाह है, और जो शॉर्ट कैरी कर रहे हैं करंट लेवल पे शॉर्टिंग की सलाह नहीं है, क्योंकि अभी ये 200 डेमा इसने ब्रीच किया है, यहाँ से एक बाउंस बैक भी कर सकता है, और जिनके पास अगर शॉर्ट है तो जरूर बने रहे बाय कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 36,350 का स्टॉप लॉस आप उस शॉर्ट के ट्रेड को कैरी कर सकते हैं। ये निफ्टी बैंक के लिए संकेत है, 280 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिल रही है। मानस, मैं वापस आपके पास आ रही हूं, ये निफ्टी के कॉल पर 17143 हर टिक के साथ नीचे फिसल रहा है ये इंडेक्स। तो देखिए, जैसा मैंने मेंशन किया था कि जितने बॉन्ड मूविंग एवरेजेस हैं